नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को ईडी ने आज भी बुलाया। सोनिया गांधी से सुबह 11 बजे पूछताछ होगी। सोनिया गांधी से ईडी ने कल भी की थी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से कल करीब 6 घंटे हुई पूछताछ। राहुल गांधी को पुलिस कस्टडी से छोड़ा गया। हिरासत में लिए गए थे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। हिरासत में राहुल गांधी का एक्सक्लूसिव वीडियो। राहुल के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी थे मौजूद। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रखे गए थे सभी कांग्रेसी नेता। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। पुलिस वालों के साथ हुई नोकझोंक। बैरिकेडिंग को तोड़ा। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। पटना में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सोनिया से ईडी की पूछताछ के खिलाफ जमकर हुई थी नारेबाजी। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता ने ईडी दफ्तर पर लगे बूथ पर काली पोती। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के नेता को जमकर पीटा। युवक सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में ईडी दफ्तर पहुंचा था। कर्नाटक के बेलारी में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता की हत्या। बाइक सवार दो लोगों के प्रवीण पर किया था हमला। हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। भोपाल में बीटेक छात्र की हत्या के मामले में एसआईटी करेगी जांच। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया। निशांक राठौड़ के लापता होने के बाद फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट पर सर तन से जुदा का पोस्ट डाला गया था। निशांक पिता को भी व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया था। पोस्टर विवाद में रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई में एक और एफआईआर। इंदौर में भी बीजेपी का प्रदर्शन। अवैध बांग्लादेशी पर एक्शन में केंद्र सरकार। प्रवासियों की शिनाख्त तेज करने के निर्देश। राज्यों से कहा तेजी से कदम उठाएं। रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपए के सैनिक साजो सामान की खरीदी को मंजूरी दी है। सेना के आधुनिकरण को मिलेगी गति। सेना के लिए स्वॉर्म ड्रोन की खरीद को मंजूरी। 4 लाख कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट्स की भी खरीद को मंजूरी। भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष ने ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की अनुमति मांगी है। जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल। 1 अगस्त को होगी सुनवाई। बिजनौर में नमाज में तोड़फोड़ मामले में एनआईए जांच। दो मुस्लिम भाइयों के विदेशों से संपर्क की जांच करेगी एनआईए। मंकी पॉक्स पर यूपी में भी अलर्ट। सीएम योगी के निर्देश के बाद कोविड अस्पतालों में 10 बेड किए गए आरक्षण। झारखंड में मानव तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस महिला सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 लड़कियां चुराई गई। मानव तस्करी के लिए हिंदुओं का फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहे थे मुस्लिम लड़के। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बरामद किया। नौकरी और शादी का देते थे झांसा। कैटरीना कैफ और विकी कौशल धमकी मामले में आरोपी को 2 दिनों की पुलिस रिमांड। आरोपी मनविंदर सिंह के पास से बरामद 3 फोन की जांच जारी। उन्नाव में कृषि विभाग की बीज विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों ने दुकानों पर मारा छापा। 6 दुकानदारों को नोटिस। 66 दुकानों की जांच। प्रयागराज में स्कूलों के बाहर बमबाजी के मामले में 11 छात्र गिरफ्तार। 1 महीने में 6 स्कूलों के बाहर वर्चस्व के लिए बमबाजी करने का आरोप। छात्रों को बाल सुधार गृह भेजा गया। फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली शराब दुकानों पर कार्रवाई। 20 से ज्यादा शराब की दुकानों को तिरपाल से ढका गया। मध्य प्रदेश के सरगुजा में शिक्षक पर 2 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानव तस्करी को लेकर जताई चिंता। मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। विपक्ष के हंगामे से नहीं चल पा रही है संसद। सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा में एक्शन। राज्यसभा ने के 19 सांसद किए गए सस्पेंड। नियम 256 के तहत सस्पेंड किए गए सांसद। संसद में हंगामे को लेकर बड़ी कार्रवाई। 60 टीएमसी के सांसद निलंबित किए गए। सस्पेंड किए सांसदों में 6 डीएमके और 3 सीपीआई और 3 टीआरएस के सांसद भी शामिल। 1 हफ्ते के लिए किए गए सस्पेंड। गुजरात में जहरीली शराब का कहर। बोटाद में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 37। कई की हालत गंभीर। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के तर्ज पर पंजाब में खुलेंगे 75 मोहल्ला क्लिनिक। कहा सीएम भगवत मान ने कि लोगों को घर के पास ही मिले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। 15 अगस्त से खुलेंगे क्लिनिक। अमरनाथ गुफा के पास फिर फटा बादल। बादल फटने से गुफा के पास आया सैलाब। 4,000 यात्रियों को बचाया गया सुरक्षित। बिहार के अलग अलग जिलों में पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 20 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज लोहरदगा दौरा, सूबे के 5 जिलों के 9,500 लाभुकों को देंगे बिरसा हरित क्रांति योजना का तोहफा। बीएस कॉलेज स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह। आरजेडी विधायक संजय गुप्ता के बिगड़े बोल, बिजली विभाग को कहा डाकुओं का अड्डा, बिजली विभाग के कर्मियों को पीटने के निर्देश दिए। निलंबित आईएएस पूजा सिंगल को जमानत के लिए करना होगा और इंतजार, रांची में ईडी की स्पेशल कोर्ट में मेल पर हुई सुनवाई, ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए मांगा समय, 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बिहार के गया में बेखौफ अपराधियों का कहर, 20 लाख रंगदारी के लिए शोरूम की गोलीबारी, फायरिंग का वीडियो सामने आया। हाजीपुर में बजरंग दल की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, 6 संदिग्ध लोगों को जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह ने लाठी से बेरहमी से पीटा, 24 जुलाई का बताया जा रहा है वीडियो। लखीसराय में अज्ञात बीमारी का कहर, ताजपुर गांव के ही एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। विक्रम के पैनापुर बांध के पास युवक का शव बरामद, मृतक के सिर और सीने में गोली मारकर हत्या करने की आशंका, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में सोमवार से लापता 30 साल की महिला का शव बरामद, गांव के बाहर तालाब से मिला शव। बोकारो के चास में चाकूबाजी में दुकानदार जख्मी, 15 की संख्या में आए लोगों ने की तोड़फोड़ की चाकूबाजी, पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात की। सिमडेगा में नवचयनित होमगार्ड जवानों की हड़ताल, दूसरे दिन भी जारी, प्रशिक्षण दिलाने की मांग को लेकर हड़ताल पर। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धनबाद में चलाया हस्ताक्षर अभियान, दवाओं की बेतहाशा दाम वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी लगाने सहित कई मांगे शामिल। राजस्थान के बूंदी में 4 घंटे में भीतर 6 इंच बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में भरा पानी, नदी के उफान में फंसे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, शहर में जलभराव के चलते यातायात भी प्रभावित। मध्यप्रदेश के बटवारी में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में घुसा पानी, इंदिरा सागर बांध के गेट खोल देने के बाद तेजी से बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर जारी, शहर में जगह जगह पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। मंदसौर में लगातार घरों में घुसा पानी, मुख्य सड़कों पर पानी भरने से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। अरवल के कलेर प्रखंड में इलाका सूखे में चपेट में, मौसम की मार से किसान परेशान, सोन नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने से किसानों ने पटना औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। बेतिया में वज्रपात से 3 लोग घायल, एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल, सभी का इलाज जारी, बच्चे की हालत चिंताजनक। सारण के खुदाई बाग में बम ब्लास्ट मामले में 9 लोगों को प्राथमिक दर्ज, बम ब्लास्ट में हुई थी 5 लोगों की मौत। मालगाड़ी से कोयला चोरी करने के दौरान तार के चपेट में आने से एक युवक की मौत और एक महिला झुलसी। सिवान में बिजली की तार की चपेट में आने से 4 साल का मासूम झुलसा, खेलने के दौरान हुआ हादसा। शराबबंदी कानून के बावजूद बाढ़ में चल रहा है देसी शराब का अवैध कारोबार, पुलिस के लगातार छापेमारी के बाद भी गंगा नदी के दियारा इलाके में नहीं थम रहा है तस्करी का धंधा। बेगूसराय में ट्रेनों के जरिए शराब तस्करी का मामला, गंगा सागर एक्सप्रेस के बोगी से भारी मात्रा में शराब बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मधुबनी में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ 7 कारोबारी को गिरफ्तार किया, मुरलीगांव में घर से 400 कार्टन शराब बरामद। धनबाद के झरिया में अपराध की योजना बना रहे 2 युवक गिरफ्तार, दोनों के पास से 2 देसी कट्टा बरामद। हत्या, दुष्कर्म और एससीएसटी मामले के 11 अभियुक्तों को जमुई कोर्ट ने किया आत्मसमर्पण, मेडिकल जांच के बाद भेजा गया जेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव, जांच रिपोर्ट में हुई पुष्टि, 4 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे सीएम। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच पटना में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की अध्यक्षता। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड में बरती जा रही सतर्कता, सभी सिविल सर्जन को जारी की गई है एडवाइजरी। कोरोना को हराने के लिए सरकार सतर्क, जगह जगह बूस्टर डोज के लिए की जा रही कैंपिंग, आरा के डाकघर में डाक कर्मियों के लिए बूस्टर डोज कैंप लगाया गया। करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद किया गया, दानापुर के बिहार रेजिमेंटल सेंटर में अमर ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह में बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले प्रभात फेरी के माध्यम से निकाली गई तिरंगा यात्रा, करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सेनानियों को किया गया नमन। सशस्त्र सीमा बल की तरफ से शहीद किशोर कुणाल का शहादत दिवस मनाया गया, पटना के शहीद किशोर कुणाल पार्क में समारोह का आयोजन। फारबिसगंज से देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए रानीगंज में निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया, शिविर में खाने पीने के साथ आराम करने की भी व्यवस्था की गई। अमृत महोत्सव को लेकर भागलपुर पहुंचे डीआरएम, रेलवे स्टेशन का लिया जायजा, स्टेशन पर तिलक मांझी को याद करते हुए एक नाटक का मंचन किया गया।
एलआईएल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह ने कहा, संवैधानिक संस्था पर हमला लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बगहा में क्षतिग्रस्त साधु पुल और अप्रोच पथ की मरम्मति के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान और चंदा इकट्ठा कर निर्माण कार्य किया। प्रशासन और पुल निर्माण निगम से शिकायत के बाद नहीं हुआ था मरम्मत। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विद्युत मंत्रालय ने रामगढ़ में बिजली महोत्सव का आयोजन किया। तीन बच्चे को नई जिंदगी देने वाले विनीत राय सम्मानित, डीआईजी विवेकानंद ने किया सम्मानित। गंगा घाट में डूब रहे थे सब। स्वास्थ्य विभाग को लेकर मुजफ्फरपुर के गायघाट में आरजेडी विधायक ने खोला मोर्चा, कहा जांच हो करोड़ों के घोटाले का सच सामने आएगा। भागलपुर विधायक अजित शर्मा की मां का निधन, लंबे समय से चल रही थी बीमार। मोकामा के रेलखंड के बढ़िया के रेलवे स्टेशन पर फोन पर बात करना युवक को महंगा पड़ गया। फोन पर बात करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। जमुई के अट्टा पंचायत के वार्ड संख्या 11 में ग्रामीणों ने डीएम को दिया आवेदन। छपरा में मजदूरों को रोजगार देने वाले मनरेगा में धांधली का आरोप, मजदूरों की जगह मशीन लगाकर मिट्टी भराई का किया जा रहा है काम। मध्यप्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले हलचल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में रोजगार किस पर छिड़ी है तकरार, सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। एमपी में नीमच के सुखानंद धाम में 71 फीट ऊंचा झरना बहा, बारिश के मौसम में खास नजारे का लुत्फ उठाने पहुंच रहे लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, विधानसभा का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में होगी बढ़ोतरी, विधानसभा में पक्ष विपक्ष की सहमति से संशोधन विधेयक पास। धमतरी में डोंगरी पर बना तटबंध टूटने से किसान परेशान, खेतों में भरा लबालब पानी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य को समन, आज दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। ममता बनर्जी के एक और विधायक की बड़ी मुश्किलें, पार्थ चटर्जी के बाद मानिक पर ईडी की फास, शिक्षक भर्ती घोटाले में मानिक भट्टाचार्य को ईडी का समन। भारत में होगा 2025 का महिला वनडे विश्व कप, बर्मिंघम में हुई वार्षिक आम बैठक के दौरान आईसीसी ने लगाई है मुहार, और इससे पहले भारत में 2013 में आयोजित किया गया था वनडे वर्ल्ड कप। आईसीसी ने 2024 से 2027 के बीच महिला क्रिकेट के चार बड़े टूर्नामेंटों के मेजबानों का ऐलान किया। इसके तहत 2024 में बांग्लादेश में, 2026 में इंग्लैंड में आयोजित होगा T20 विश्व कप, 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी का होगा आयोजन। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे आज का मैच जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टेस्ट के चौथे दिन का खेल होगा। दूसरी पारी में श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 176 रन बनाए, कुल बढ़त 323 रन के लिए। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने T20 वर्ल्ड कप में 2022 को लेकर भविष्यवाणी की, कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा फाइनल, टीम इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया बनेगा चैंपियन। चेस ओलंपियाड की मार्केटिंग वीक के तौर पर चेन्नई के स्कूल में बड़ा चेस बोर्ड तैयार किया गया। तमिलनाडु सरकार में मंत्री शेखर बाबू ने 5वें चेस इवेंट का उद्घाटन किया। जयपुर पहुंची फिल्म एक विलेन रिटर्न की टीम, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन करते हुए नजर आए। टीवी एक्टर नकुल मेहता ने की रणवीर सिंह की कॉपी, नकुल ने अपने सोशल मीडिया पर जो न्यूड फोटो शेयर की है वो असल में रणवीर की ही है। सारा अली खान ने हाल ही में मां अमृता के साथ यूरोप में लंबी छुट्टियां बिताई, अब उन्होंने परिवार के साथ अपने वैकेशन की तस्वीरें शेयर। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे शाहरुख खान, डार्लिंग्स को प्रोडक्शन के लिए आलिया की जमकर तारीफ। जर्मनी के जंगलों में लगी आग के खिलाफ प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का किया जा रहा है छिड़काव। अमेरिका के मिसौरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लगातार बारिश के बाद सेंट लुइस शहर के कई सड़कों पर भरा पानी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने उनके बेटे हमजा शहबाज को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया।